हुनर का पता अदाएं देती है और मौसम का पता घटाएं देती है, खुशबू का पता बहती हुई हवाएं देती है। जी हाँ, खुशबू सिर्फ गुलों की फूलों की नहीं होती, खुशबू इंसानों के व्यक्तित्व की भी होती है, इंसानों के गुणों की भी होती है। आज मैं जिस खुशबू की बात कर रहा हूँ वो एक इंसान के गुणों की खुशबू है, उसके व्यक्तित्व की खुशबू है कि तेरे शहर में आते ही तेरे चर्चे शुरू हो जाते हैं। और वो व्यक्तित्व, वो खुशबू ऐसी कि जिसे सुनने पर दिल को सुकून मिले, जिसको सुनने से मन को विश्वास मिले, भरोसा मिले। दोस्तों, ब्रांड कंपनी भी अपने आप में ब्रांड होती है, कंपनी के प्रोडक्ट भी ब्रांड होते हैं, आपका लोगो भी ब्रांड होता है, लेकिन ब्रांड इंसान का नाम इन सबसे ऊपर होता है। इंसान का व्यक्तित्व, उसका गुण, उस इंसान पर लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास, ये सबसे बड़ा ब्रांड बनता है। तो आज हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो एक व्यक्तित्व का ब्रांड है, वो एक ऐसा ब्रांड है जिस पर भरोसे की मोहर लगती है, जिस पर विश्वास की मोहर लगती है, और लोग जिसके बारे में कहते हैं कि उसके दरवाजे पर अगर कोई चला गया तो वो खाली हाथ नहीं लौट सकता। बड़ा विश्वास है, ये बड़ा भरोसा है, और शायद इसलिए इस ब्रांड के, इस नाम के, इस विश्वास के, इस भरोसे के चर्चे बड़े जोरों से है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। आज बात है भरोसे के ब्रांड की, विश्वास के ब्रांड की, इंसानियत के ब्रांड की। दोस्तों, पैसा बहुत लोग कमाते हैं, दौलत की समृद्धि बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन दौलत बड़ी होने का मतलब ये नहीं होता कि सबके दिल बड़े होते हैं। जिनके दिल बड़े होते हैं और जो अपनी दौलत की समृद्धि का दरवाजा उनके लिए खोले रहते हैं, जिनको वो समृद्धि जिनके कष्टों का निवारण कर सकती है, जिनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है, किसी को छत दिला सकती है अपने घर की और किसी के रोजगार में काम आ सकती है, किसी की चिकित्सा व्यवस्था करवा सकती है, तो किसी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं जब बंगलोर प्रवास में था तो वहां जैन समाज की, बुद्धिजीवियों की, समाज के अग्रगण्य लोगों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में समाज की विसंगतियों पर भी सवाल उठे थे, समाज की खूबियों पर भी चर्चाएं हुई थी। एक बहुत बड़ी विषय वस्तु थी, सवाल था कि सहधार्मिक भाइयों के लिए समाज क्या कर रहा है। हर समाज में समृद्ध लोग भी होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी होते हैं और निचले तबके के लोग भी होते हैं, और समाज की जिम्मेदारी ये जरूर बनती है कि जो लोग निचले तबके के हैं आर्थिक समृद्धि के आधार पर, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको पैरों पर खड़ा करें, उन्हें रोजगार दें। हर समाज अपने अपने समाज के लोगों के लिए काम करता है, उन्हें रियायत देता है, उन्हें आर्थिक रूप से कुछ सहायताएं देता है, समाज के ट्रस्ट काम करते हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि ये रियायतें, किस्तें, ये समस्या का समाधान स्थाई नहीं होती। स्थाई समाधान स्वावलंबन होता है कि आप कितने हाथों को काम देते हैं। तो वहां पर दोस्तों चर्चा उठी थी, कुछ नामों का जिक्र हुआ था, जो नाम ट्रस्ट नहीं है, संस्था नहीं है, लेकिन अकेले दम पर किसी ट्रस्ट और संस्था से कम नहीं है। उनमें से एक नाम की चर्चा बड़े जोरों से थी और वहां के कुछ माननीय सज्जनों ने मुझे कहा था कि सनम जी, अशोक रांका जी से मुलाकात जरूर कीजिएगा। मैंने पूछा ऐसी क्या बात है, तब उन्होंने इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो पहलू बताए वो सुनने के बाद नमन करने को मन हो गया। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो समृद्धि के दरवाजे इस तरह से खोल देते हैं कि जो उनके दरवाजे पर आता है वो निराश होकर के नहीं जाता, वो खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, हमारे राजस्थान में कहावत है कि हाथ का उत्तर देना, मुंह का उत्तर मत देना, मतलब मुंह से किसी को ना मत कहना, जो कुछ भी हो कुछ ना कुछ देकर के किसी को विदा करना। तो जब श्रीमान अशोक रांका जी के बारे में ये जानकारी मिली तो मन में ये जिज्ञासा सहज स्वाभाविक थी, और एक पत्रकार होने के नाते तो ये जिज्ञासा बड़ी बलवती थी कि ऐसे व्यक्तित्व से मिला जाए, उनके जीवन के कर्म क्षेत्र को, उनके विचारधारा को पढ़ने की कोशिश की जाए। फोन से संवाद हुआ,
और उन्होंने समय दिया, तारीख दी, क्योंकि जिस वक्त फ़ोन से संवाद हुआ था वो राजस्थान थे। जब वो बेंगलोर आए और मैंने फ़ोन से बात की तो उन्होंने समय दिया, और समय भी इस तरह से नहीं, अपनी इच्छा के मुताबिक समय नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, व्यक्ति का परिचय होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो पहला परिचय। समय भी मेरी सुविधा के अनुसार, उन्होंने मुझे यही कहा, आपको जब आना हो आप उस वक्त फोन कीजिएगा, मैं जहां भी रहूंगा आपको बता दूंगा। बड़ी सहजता, सरलता, विनम्रता। मैं जब पहुंचा, बहुत ही सिंपल सिंपल सिटी, इतनी बड़ी समृद्धि में व्यक्ति का अंदाज अलग होता है। लेकिन जो लोग संघर्ष से उत्कर्ष के मुकाम पर पहुंचते हैं, उनमें से कुछ लोग अपनी उस सिंपल सिटी को शायद कायम रख पाते हैं। बातचीत शुरू हुई और एक बड़ी बात यह थी कि उनका इंटरव्यू ऑन द कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। मगर ये आप कह लीजिए कुछ टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम रही, इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद मैं कॉन्फिडेंट था, मैं देखता ही नहीं हूं कि इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। ऐसा बहुत कम होता है कि रिकॉर्ड होने के बाद कोई टेक्निकल ऐसी फॉल्ट हो जाए कि वो क्लिप ही न चले, उसमें आवाज न आए। वहां बातचीत करने के बाद जब मैं होटल गया, और चूंकि उसी दिन मुझे पुणे के लिए रवाना होना था, तब मुझे पता चला कि ये क्लिप तो, इस क्लिप तो चल रही है, आवाज नहीं आ रही। तो बिना आवाज के इंटरव्यू का मतलब क्या? लेकिन बात यही नहीं रुकी। दो दिन बाद जब मैंने पुणे में आकर उस क्लिप को फिर चेक किया तो साहब अब तो क्लिप भी नहीं चल रही थी। इसका मतलब साफ है कि कुदरत ने एक संकेत दिया कि संजय सनम, व्यक्तित्व बड़ा है, कृतित्व बड़ा है, इंसानियत गुण बड़े हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू इतना छोटा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट नहीं। तो इस व्यक्तित्व को पहले पढ़ो, फिर समझो, और फिर लोगों के सामने थोड़े बड़े रूप में पेश करो। मैं तो यही समझूंगा कि कुदरत का शायद यही आदेश रहा होगा कि वो क्लिप नहीं चली, पहले आवाज नहीं निकली, आवाज नहीं आ रही थी, उसके बाद क्लिप नहीं चली। लेकिन मैंने यह सोचा कि उनके साथ जो बातचीत हुई, सारांश में एक बार वो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, ताकि आपको एक भूमिका मिल जाए कि व्यक्तित्व कैसा है, कृतित्व कैसा है। और उसके बाद में बेंगलोर प्रवास में फिर उनका एक बड़ा शानदार साक्षात्कार लिया जाए। तो आज मैं श्रीमान अशोक जी रांका जी के साथ जो हमारी ऑन द कैमरा और अनौपचारिक जो भी बात हुई, मैं उसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि संघर्ष से उत्कर्ष की राह पर, और ब्रांड अपने आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा ब्रांड बना दिया कि नाम ही काफी है, और ऐसा सुनियोजित सिस्टम कर दिया, खुद को देखने की आवश्यकता नहीं, खुद ऐसा लगता है बिल्कुल फ्री रहते हैं, पर नजर पूरी रहती है। दोस्तों, प्रारब्ध की किताब के पन्ने, लेकिन प्रारब्ध की किताब के समृद्धि के पन्नों को देखकर लोग इस जन्म में कई बार होशो हवास खो देते हैं, लेकिन अशोक रांका जी एक ऐसा नाम, बड़ा सहज, बड़ा सरल, बड़ा विनम्र और बड़े स्पष्टवादी। बात चली सेवा के क्षेत्र की, तो अनौपचारिक दौर में समाज के परिदृश्य पर भी बात हुई, समाज की विसंगतियों पर भी बात हुई, लेकिन अशोक जी बड़े हिसाब से शब्दों का चयन करते हुए उन्होंने मुझे सलाह दी कि संजय जी, आप सवाल ऐसे न उठाकर कि अगर आप ऐसे कहो कि समाज में ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो शायद किसी के मन में कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हम जब विसंगतियों की चर्चा करेंगे तो हम अपनी बात कह सकते हैं कि समाज में ऐसा न होकर के ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता। दोस्तों, यह व्यक्ति का दूसरा इंप्रेशन था, इतनी समृद्धि, इतना नाम, उसके बाद भी अपने शब्द, अपनी बात थोपने की कहीं इच्छा नहीं। ये एक गुण उनके इस सेंटेंस से निकला, क्योंकि अनौपचारिक दौर में जब बात चल रही थी तो समाज की कुछ विसंगतियों पर बात आई, सधार्मिक भाइयों के लिए समाज क्या करता है उस पर बात आई, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दृश्यों पर बात आई जहां समाज का बहुत बड़ा रुपया लगता है, वो रुपया अगर उस रूप में न लगा करके समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में लगाया जाए तो समाज का बड़ा ही तो सकता है, कुछ परिदृश्य संदर्भ ऐसा चल रहा था। तब
प्रियंका जी मुझे कहते हैं कि संजय जी, समाज की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संभवतः इतने बड़े बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन समाज की सेवा के लिए, सहधर्मी भाइयों के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं। बड़े स्पष्ट अंदाज में बोले कि देखिए, समृद्धि का प्रचार तो मैं भी करता हूं। आपने जिन दृश्यों का उल्लेख किया कि यहां पर जो काम लाख रुपए में हो सकता है वहां 10 लाख 20 लाख खर्च क्यों किए जाएं? मानता हूं कि काम तो लाख में ही हो सकता है, लेकिन वो जो रुपए लगते हैं वो हमारे प्रचार के लिए होते हैं। इतनी स्पष्ट वादिता। पर उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि जहां पर सेवा की बात है, जहां पर बात इस बात की है कि किसी की चिकित्सा व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करनी है, किसी की एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, सहधार्मिक परिवार ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, तो अगर कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर उनको कम कीमत में मकान मिल सके वो व्यवस्था करनी है, तो वहां पर भावना होती है, वहां पर संवेदना होती है, वहां पर प्रचार की बात नहीं होती। अशोक रांका जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके दरवाजे पर न सिर्फ जैन समाज बल्कि अजैन भी आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी अगर वहां आते हैं तो फिर उनको भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि आप आओ दरखास्त करो फिर आपको 2 दिन बाद बुलाएंगे, फिर आपको 5 दिन बाद फिर बुलाएंगे, आपके कहीं कागज चेक होंगे, आपके बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी सर्वे किया जाएगा, ऐसा नहीं। आप आए, आपने अपनी बात बताई, जो भी आवश्यक औपचारिकताएं करनी होती है वो तुरंत फुरत की गई और आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका काम जितना भी होता है वो वहीं से उसी दिन, अधिकांशतः उसी दिन कर दिया जाता है। दोस्तों, समाज के काम हमारे समाज की संस्थाएं, समाज के ट्रस्ट भी करते हैं। आर्थिक रूप से मदद शिक्षा के क्षेत्र में भी होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होती है। जब मैंने रांका जी से सवाल पूछा कि कई बार लोग जो सहायता के लिए जाते हैं, हमारे अपने सामाजिक सेवा के प्रकल्प, हमारे ट्रस्ट, हमारी संस्थाएं उन्हें बार बार बुलाती है, कभी किसी पत्र के लिए, कभी दरखास्त के लिए, कभी कहा जाता है कि हमारी मीटिंग होनी है, उसके बाद फैसले होते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को जब उन रुपयों की जरूरत होती है उस वक्त उसको वो रुपये मिलते ही नहीं। और तब समाज का आम आदमी सवाल उठाता है, वो कहता है कि समाज के ट्रस्ट कहते हैं कि हम समाज का काम करते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमें बार बार घुमाया जाता है। यह बात जब मैंने अशोक रांका जी से कही तो देखिए उनका जवाब, यह है एक व्यक्ति इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करता है। वैसे देखा जाए तो यह एक नकारात्मक पक्ष था, एक सवाल था, लेकिन अशोक रांका जी कहते हैं कि संजय जी, ट्रस्ट किसी एक व्यक्ति के जिम्मे में नहीं होते, ट्रस्ट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है और उसमें कोई अकेला व्यक्ति चाहकर के भी फैसला नहीं ले सकता, इसलिए कुछ औपचारिकताएं होती है कि ट्रस्ट मंडल की बैठक होती है, उसके बाद में निर्णय होता है, तो यह तो उनकी प्रक्रिया है। हाँ, यह सही है कि इस प्रक्रिया के चलते कई लोगों के लिए उनको जब आवश्यकता होती है तब उन्हें वो सहायता नहीं मिलती, लेकिन इसमें ट्रस्ट की गलती नहीं है, नहीं हमारे ट्रस्टियों की गलती है, क्योंकि वहां पर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अब उन्होंने कहा कि जहां मेरी बात है या मेरे जैसे अन्य लोगों की बात है जो समाज के क्षेत्र में अपने अपने संदर्भ से, अपनी अपनी सीमाओं से काम करते हैं, उनको किसी को पूछना नहीं पड़ता, निर्णय उनको खुद को लेना होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से, आराम से निर्णय ले लेते हैं। और जब हमें निर्णय लेना है, जब हमें किसी को कुछ देना है, तो फिर घुमाने की जरूरत क्या है? जब आपको देना ही है, व्यक्ति आया है, तो फिर उसके भी समय की कीमत समझी जाए और उसको तुरंत फुरत जो सहायता देनी है वो सहायता दे दी जाए। यह है विचार। दो भाई, इनके छोटे भाई अनुज हैं, महेंद्र जी रांका। कहा जा सकता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने मिलकर के समृद्धि का साम्राज्य अपनी निष्ठा से, अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से और प्रारब्ध की गणित का यानी किस्मत का उन्हें पूरा सहयोग मिला कि उन्होंने जो मेहनत की वो मेहनत फलवती हुई। लेकिन जो समृद्धि बनी वो समृद्धि सिर्फ मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं, वो समृद्धि सेवा के लिए।
सिर्फ लाखों की बात नहीं है, यह तो करोड़ों की बात है। और करोड़ों की सेवाएं हर वर्ष ये परिवार, अशोक जी, महेंद्र जी, रंका, ये समाज को तो देते ही हैं। समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी जब इनके पास भरोसा लेकर के, अपेक्षा लेकर के जाते हैं, तो वहां पर भी अशोक रंका जी, महेंद्र रंका जी खड़े नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पर सबसे बड़ी बात, यहां पर कोई प्रचार नहीं, जहां प्रचार था वह उन्होंने प्रचार को स्वीकार किया। और जहां पर मन की भावना जुड़ी है, जहां पर संवेदना के तार जुड़े हैं, जहां पर किसी को अगर किसी के लिए कुछ करना है तो उसमें नाम की भूख नहीं है, उसमें उसका अच्छा हो जाए, उसका भला हो जाए, ये भूख है, ये इच्छा है, तो आप कहिए कि फिर उस व्यक्ति के लिए शहर के लोगों में चर्चा कैसे ना हो। जैसा कि मैंने कहा कि खुशबू का पता बहती हुई हवाएं बता देती है, तो शायद कुछ ऐसी ही खुशबू जिसका पता जब मैं वहां पर जैन समाज की उस परिचर्चा में गया था, तो एक नहीं कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप जब यहां आए हैं तो अशोक रंका जी से जरूर मिलिएगा। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि अशोक जी ने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े स्नेह भाव के साथ समय दिया, अपनी बात कही, मेरे सवालों को सुना, लेकिन वो कुछ शब्दों से बचते रहे और उन्होंने उन्हीं शब्दों का चयन किया जहां पर किसी भी तरह का सवाल ना हो। ये देखिए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि समृद्धि कमाई ईश्वर ने दी, समृद्धि का लुत्फ भी लिया, मौज शोक जो है वो भी पूरे किए, लेकिन वो समृद्धि फिर अधूरी होती है। समृद्धि अगर वहां काम ना आए जहां लोगों को जरूरत है, तो फिर उस समृद्धि का आनंद, उस समृद्धि का जश्न नहीं हो सकता। मुझे याद आ रही है जब बात चल रही थी तो जैन सधार्मिक परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, एक बड़ा प्रोजेक्ट शायद जीतो, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं, उसमें भी रंका साहब का सबसे बड़ा सहयोग, संभवतया 15 करोड़। ये उदारता, जैसा कि मैंने कहा, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन पैसे से पैसे कमाने की इच्छा ही लोग अधिक करते हैं, या फिर पैसे का विसर्जन वहां करते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अपना नाम हो, अपनी वर्दावली गाने वाला कोई हो, तब वहां पर दिया जाता है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि लोग जिनकी सहायता करते हैं उसका भी विज्ञापन कर देते हैं, तो जो सहायता ले रहा होता है उस व्यक्ति के लिए बड़ी नाजुक स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं हीन भावना उसके मन में आ जाती है कि समाज के लोग जब मुझे देखेंगे ऐसे लेते हुए तो क्या सोचेंगे। लेकिन इन्हीं समाजों में कुछ लोग अशोक जी रंका जैसे होते हैं, जो समृद्धि पर गर्व तो करते हैं पर घमंड नहीं करते। ये गर्व गौरव वाला है, और गौरव कब होता है, जब वो समृद्धि किसी के काम आती है। मुझे तो सबसे बड़ी बात वहां पर मुझे मिले थे बाफना जी, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि भरोसा विश्वास, ऐसा भरोसा विश्वास कि अगर आप यहां चले गए तो आप खाली हाथ नहीं आ सकते। कितनी बड़ी बात। हम कई जगह ऐसा कहते हैं, कई जगह जब ऐसी बात आती है तो कहते हैं कि उस मंदिर में अगर आप चले गए तो आपकी मुरादें पूरी होगी, आप खाली हाथ नहीं आओगे। लेकिन इंसानों के लिए भी ऐसा कोटेशन लगता है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। और इसलिए अशोक जी रंका के लिए, हालांकि उनकी जो वीडियो क्लिप जो मैंने साक्षात्कार लिया वो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो क्लिप ही कुछ फॉल्ट आने की वजह से नहीं चल पा रही थी। तब मैंने निश्चय किया कि ऐसे व्यक्तित्व की जो सुरभि है, जो महक है, उसका पता पहले लोगों तक देना चाहिए, और उसके बाद उनके आमने सामने की बात थोड़े और बड़े अंदाज में, क्योंकि कुदरत का यही आदेश रहा है कि जब नाम बड़ा है, ब्रांड बड़ा है, काम बड़ा है, तो संजय सनम वीडियो छोटा क्यों, फिर उसका तो वीडियो, उसका साक्षात्कार बड़ा ही होना चाहिए। मुझे लगता है शायद नेचर ने इसीलिए वो फॉल्ट पैदा कर दिया कि इतने छोटे साक्षात्कार से काम नहीं चलेगा।
बड़ा चाहिए। तो फिर अगली बार बेंगलोर के प्रवास में हम रंका साहब का बड़ा साक्षात्कार लेंगे और जो सवाल उस इंटरव्यू में छूट गए थे उनको भी पूरा करेंगे। एक और बात, रंका साहब कर्म क्षेत्र में अपनी मेहनत अपने संकल्प से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, ये तो बात है, लेकिन शब्द क्षेत्र में भी माहिर है। अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैंने आडंबर और पाखंड शब्द का प्रयोग किया तो रंका साहब ने कहा अब आडंबर पाखंड क्यों कहते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज में अगर ऐसा न हो तो अच्छा है, अगर ऐसा हो तो अच्छा है। शब्दों का चयन देखिए, ये कोई वो ही व्यक्ति कर सकता है जो शब्दों का पारखी हो, जो शब्दों की इबादत करता हो, जो शब्दों में रहता हो। और ये बात बिल्कुल सही है, रंका साहब की कई पुस्तकें व्यक्तित्व से संबंधित, जो ऐसे सवाल है हमारे मन मस्तिष्क में उनसे संबंधित, व्यापार से संबंधित, कृतित्व से संबंधित, मतलब जीवन की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास इस व्यक्ति ने अपने शब्दों से किया। और मुझे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें दी, मेरे साथ जो सज्जन थे वो जब पुस्तकें लेकर के गए तो उनके साथ कुछ और भी दोस्त थे, तो उनका कहना था कि संजय जी इतनी सारी आप क्यों ले जा रहे हैं, हम भी पढ़ लें, आप जब बेंगलोर आएंगे तो आप जो ले जा रहे हैं वो हमें दीजिएगा और इनमें से फिर आप लीजिएगा। इसका मतलब ये पुस्तकें जो व्यक्तित्व विकास में साधक बनती है वो पुस्तकें अब लोगों तक जाएगी और जाएगी। शब्द, अच्छे शब्द विकास में रूपांतरित करने वाले शब्द और वैसे व्यक्तित्व की बात लोगों तक जानी चाहिए। और इसलिए मैंने वो पुस्तकें अपने उन दोस्तों के हाथ में रखी, एक पुस्तक में लेकर के आया। मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट न्यूज़ के दिवाली विशेषांक में उसकी समीक्षा भी दी जाएगी और रंका साहब की जो अन्य पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा और अच्छे बड़े लेखकों के पास भेजा जाएगा ताकि उनके माध्यम से भी समीक्षा आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बेंगलोर की खुशबू, वैसे तो बेंगलोर की खुशबू कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसी खुशबू सिर्फ किसी शहर या किसी प्रांत की नहीं होती, जो मानवीयता की मिसाल रखती है वो इंसानियत की शम्मा अंधेरों में प्रकाश भरती है। तो वो सिर्फ बेंगलोर की नहीं हो सकती, वो सिर्फ कर्नाटक की नहीं हो सकती, वो सिर्फ राजस्थान की भी नहीं हो सकती क्योंकि राजस्थान के सिवाना से इनका संबंध है, वो तो जन जन की होती है और वो तो फिर पूरे ब्रह्मांड की होती है। इसलिए आज का वीडियो एक ऐसी खुशबू का परिचय है जिसके पास संकल्प भी है, जिसके पास कर्मठता भी है, जिसके पास उत्कर्ष भी है और उत्कर्ष के साथ जिसके पास विनम्रता है, जिसके पास देने की प्रवृत्ति है, जहां पर समाज को आवश्यक हो वो खड़ा रहता है और जहां पर इंसानों के लिए जरूरत हो वो इंसानियत की मिसाल पेश करता है। अशोक रंका इंसानियत की एक ऐसे मिसाल का नाम, और मैं ये कहूं मसाल का नाम तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशोक रंका जी, महेंद्र रंका जी, दो भाई और दो भाइयों ने मिलकर के समृद्धि का साम्राज्य खड़ा किया और उसके साथ साथ अब सेवा का साम्राज्य भी उन्होंने उसी पैरेलल खड़ा कर दिया है। एक तरफ समृद्धि आ रही है तो दूसरी तरफ उस समृद्धि का अंश सेवा के क्षेत्र में भी जा रहा है, वो समृद्धि भी धन्य हो रही है, वो भी पवित्र हो रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इस महक का एहसास कहीं ना कहीं आपको भी हुआ होगा और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कई बार जैन समाज के कुछ परिवारों से मेरे पास भी अपनी समस्याएं आती है, मैं ट्रस्टों तक भेजता हूं, लेकिन जैसा कि आपने सुना ट्रस्टों की अपनी औपचारिकताएं हैं, उनकी अपनी नियमावली है, कई बार ट्रस्ट सब जानबूझ करके देख करके भी वांछित व्यक्ति को सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उनकी अपनी जो परंपरा है, उनकी अपनी नियमावली है, उनके आधार पर उनको चलना पड़ता है। लेकिन वहां पर अशोक रंका जी जैसे लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, उन लोगों को सहायता दे सकते हैं, उन लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं, किसी के हाथों को काम दे सकते हैं, किसी के सर पर छत दे सकते हैं, किसी की शिक्षा के दरवाजे खोल सकते हैं और किसी की वक्त पर चिकित्सा व्यवस्था सुलभ करा करके जीवन दे सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म अशोक रंका जी जैसे कुछ और लोग भी बेंगलुरु में कर रहे हैं। मेरे पास कुछ और लोगों के भी नाम आए तो सबसे पहला परिचय
अशोक रांका जी का। अशोक रांका जी से मैं व्यक्ति से माफी चाहूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया था, साक्षात्कार भी दिया था, मैंने लिया भी था, पर वो क्लिप, पहले आवाज नहीं आ रही थी, उसके बाद क्लिप ने भी चलने से मना कर दिया। मैं फिर कहूंगा, कुदरत शायद ये चाहती थी कि क्लिप बड़ी हो और सवाल भी काफी हो और आपके मन की बात भी और थोड़ी खुल करके आए, शायद इसलिए कुदरत ने इस क्लिप को रोका था बड़ी क्लिप के लिए। तो मैं यही आशा करता हूं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो है, प्रेरक वीडियो है। ऐसे व्यक्तित्व की महक दूर दूर तक जानी चाहिए और जिनके पास ईश्वर ने समृद्धि दी है उनके मन में भी ये बात आनी चाहिए कि दौलत तो कमा ली, दुआओं की दौलत भी कमाते चले, क्योंकि ऊपर ये दौलत काम नहीं आती, दुआओं की दौलत साथ रहती है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।